नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाळ। आपण मानकु एसएस इन्फो ओडिया चैनल को स्वागत। आज मु आपणक पाखकु जिला राज्य तथा देश विदेशर किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर गुडी को नै आसीछि। भिडियोटिकु शेष पर्यंत देखंतु। चैनल रे नुवा आसीथिले दयाकरि चैनल को सब्सक्राइब करि बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु, जहाँ फलर कि मु जेतेबेळे भी नुवा नुवा खबर नै आसीबि सर्वप्रथमे आपण पाई परिवे। तेबे चालंतु डेरी न करी आजिरो खबर उपरे नजर पकेबा। नंबर वन, प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट गुरुतर। महाराष्ट्रर पुणेरेज दुर्घटनार शिकार होइछि एक प्रशिक्षण विमान, फलरे पायलट को समेत गुरुतर अवस्थारे डाक्तरखानारे भर्ती होछन्ति विमानरे थिबा आउ जणे व्यक्ति। गुरुवार संध्यारे घटिछि एही दुर्घटना। मिलिथिबा सूचना मुताबक रेडबार्ड इन्स्टिट्यूटर एक प्रशिक्षण विमान संध्या प्राय पांचटा समय रे बारामाटी अंतर्गत कटफल ग्राम निकटरे दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। एही समय रे विमान रे थिले पायलट ओ आउ जणे व्यक्ति, जहांको परिचय मिली पारी नाही। पुलिस रो कहिबा मुताबक दुर्घटना परे बेसरकारी फ्लाइट ट्रेनिंग एकेडमी रो विमान रे थिबा पायलट एवं आउ जणे व्यक्ति को डाक्तरखाना निया जाइछि। पश्चिम महाराष्ट्र जिलार बारामाटी अंचल रे एही दुर्घटना घटिथिबा बेले दुर्घटना केउ कारण पई हैला ताहा स्पष्ट होइनाही। इंजिन रे समस्या हेतु विमानटी दुर्घटनार शिकार होइथाई पारे बोली आशंका करा जाउछि। विमान रे थिबा दुई जण व्यक्ति गुरुतर थिबा कहा जाउथुबा बेले सेवानको अवस्था विषय रे ए पर्यंत विशेष किछि सूचना मिलि पारि नाही। परवर्ती खबर, 14,000 कर्मचारी को छोटाई करिवो नोकिया। दुनियार सबुठारु बड़ मोबाइल कंपनी नोकिया एहार 14,000 कर्मचारी को छोटाई करबाकु निष्पत्ति नैछि। मिलिथिबा रिपोर्ट अनुसारे गुरुवार नोकिया पक्षरु कहा जाइछि कि उत्तर अमेरिका परि बजार रे 5G उपकरण रो धीमा बिक्री कारणरु वर्षर तृतीय त्रैमासिक रे बिक्री क्षेत्र रे बेस ह्रास परिलक्षित होइछि। कंपनी अनुसारे बिक्री क्षेत्र रे 20% ह्रास घटिछि। फलरे नोकिया एहार न्यू कॉस्ट सेविंग प्लान जरिया रे 14,000 कर्मचारी को छोटै करबाकु बाध्य होइछि। एही छोटै परे कंपनी रो कर्मचारी संख्या 86,000 परिवर्ते 72,000 होइजिवो। परवर्ती खबर, ओपीटीसीएल टेक टावर रो लोकार्पण कले मुख्यमंत्री। अत्याधुनिक ओपीटीसीएल ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड टेक टावर लोकार्पित होइछि। इहाकु लोकार्पण करछन्ति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। 55 कोटी टंकारे निर्मित होइछि एही टेक टावर। भुवनेश्वर शहीद नगर रे एही ओपीटीसीएल टेक टावर रहिछि। कार्यक्षेत्र रो निरापत्ता को सुनिश्चित करने पर आधुनिक स्थापत्य और प्रजुक्ति विद्या सहित एही कोठा निर्माण करा जाइछि। एठारे उल्लेखयोग्य जे ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओडिशावासी को निरविच्छिन्न तथा गुणात्मक विद्युत सेवा जगाइबारे नियोजित एवं विद्युत क्षेत्र रो प्रगति रे एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाए। राज्य रो ट्रांसमिशन भित्तिभूमि रे ओपीटीसीएल रो भूमिका गुरुत्वपूर्ण बोली मुख्यमंत्री कहिछंती। परवर्ती खबर, राज्य रे स्थापन हेबो 1,000 कोल्ड रूम। कृषि क्षेत्र रो अग्रगति नै राज्य सरकार एक बड़ योजना आरंभ करबाकु जाउछंती। सूचना मुताबक राज्य रे 1,000 रु अधिक कोल्ड रूम स्थापन हेबो। पनीपरिया और फल चाषर पर्याप्त सुजोग को संपदरे परिणत करबाकु कृषि विभाग प्रक्रिया आरंभ कर देछि। पनीपरिया चाष द्वारा किपरि चाषींकर आय वृद्धि हेबो से नै विभाग पक्षरु गुरुत्व दिया जाउछि। 10-15 टन क्षमता विशिष्ट 1,000 रु अधिक कोल्ड रूम स्थापन करा जिवो। एथिसहित चाष को व्यापक करबाकु अनेक पदक्षेप ग्रहण करबाकु निष्पत्ति निया जाइछि। 2023-24 वर्ष रे राज्य रे खरीफ आलु चाष करा जिवा सहित ओडिशा राज्य बिहन निगम पक्षरु प्रामाणिक आलु बिहन संग्रह करा जाउछि। चाषी को अधिक उत्पादनक्षम आलु बिहन जगाइबा नै कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग पक्षरु प्रयास करा जाउछि। एने कृषि भवन ठारे उद्यान कृषि एवं मृत्तिका संरक्षण और जल विभाजिका उन्नयन निर्देशालय अधीन कार्यकारी होउथिबा विभिन्न योजनार अग्रगति संपर्क में समीक्षा करा जाइछि। परवर्ती खबर, संस्कृति विभाग तीनि निर्देशालय को कैबिनेट मोहर। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग अधीन तीनिटी नुआ निर्देशालय विधिवत गठन को गुरुवार कैबिनेट स्वीकृति मिली। एणिकी संग्रहालय, ग्रंथागार और प्रत्नतत्व निर्देशालय कार्यक्षम हेबो। 2018 और 2020 मसीहारे होइथिबा ऐतिह्य कैबिनेट बैठक रे एही तीनि निर्देशालय गठन संपर्क में घोषणा होइथिला, किंतु विधिवत प्रक्रिया आगे नथिला कि निर्देशालय अस्तित्व नथिला। केवल नामक मात्र संग्रहालय और ग्रंथागार निर्देशालय
निर्देशक भावे सांस्कृतिक निर्देशक दायित्व तुलाउथिले। सरकारंक पक्षरु कहुआजाइछि 27/7/2018 प्रथम ऐतिह क्याबिनेट्रे होइथिबा निष्पत्ति अनुजाई सर्वसाधारण ग्रंथागार निर्देशालय प्रतिष्ठा प्रस्ताव को क्याबिनेट अनुमोदन मिलिछि। यहाद्वारा हरेकृष्ण महताब राज्य ग्रंथागार समेत सबु जिला ग्रंथागार और ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ग्रंथागार गुड़िकर समन्वय और सुपरिचालना हो पारिबो। सेहिपरि 2/9/2023 रे द्वितीय ऐतिह क्याबिनेट रे होइथिबा निष्पत्ति अनुजाई स्वतंत्र प्रत्नतत्व निर्देशालय और स्वतंत्र संग्रहालय निर्देशालय गठन प्रस्ताव क्याबिनेट रे पारित होइछि। प्रत्नतत्व निर्देशालय मध्यम ओडिशार कोण अनुकोण आविष्कृत प्रत्नतात्विक कीर्तिराजि गुड़िकर संरक्षण सहजरे होइ पारिबो। सेहिपरि ओडिशार विभिन्न समय रे आविष्कृत समृद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक कला कीर्तिराजि गुड़िकर संरक्षण एवं एहा उपरे गवेषणा और प्रचार निमित्त संग्रहालय निर्देशालय कार्य करिबो। तीनटी जाक निर्देशालय पई तीनटी नुआ क्याडर सृष्टि करा जिबा सह विभिन्न पद पदवी गुड़ी को क्याबिनेट अनुमोदन मिलिछि। एही क्याडर गुड़ी को हैला ग्रंथागारिक सेवा प्रत्नतात्विक संग्राहक और संग्रहालय सेवा। प्रत्नतात्विक संग्रहालय पई स्वतंत्र यांत्रिक शाखा सृष्टि करा जायछि। परवर्ती खबर आजिठु घरोई बस चलाचल बंद। आज अर्थात शुक्रवार थारु अनिर्दिष्ट काल पर्यंत सारा राज्य में घरोई बस चलाचल बंद रहिबो। राज्य सरकार जेते दिन पर्यंत लक्ष्मी योजना रे घरोई बस को सामिल करने सह मो बस को केवल सहरांचल रे चलेबा को लेई लिखित प्रतिश्रुति देना हांती सेते दिन पर्यंत एही धर्मघट जारी रहिबो बोली ओडिशा घरोई बस मालिक संघ कहिछि। संघर साधारण संपादक देवेंद्र साहू कहिछंती जे विधायक प्रणव प्रकाश दास और परिवहन कमिशनर अमिताभ ठाकुर आमको डाकी आलोचना करथिले भी आम दाबी उपरे कोनोसी लिखित प्रतिश्रुति देले नाही तेणु आम पूर्व निष्पत्ति रे अटल रहिछु। 20 तारीखर सारा राज्य में बस चलाचल बंद हेब। परवर्ती खबर मुंडारी भाषा को कैबिनेट अनुमोदन। मुंडारी भाषा को संविधान अष्टम अनुच्छेद अंतर्भुक्त करने भारत सरकार को सुपारिश निमंत आसीतिबा प्रस्ताव को कैबिनेट अनुमोदन मिलिछि। एहाद्वारा मुंडा और मुंडारी जनजाति व्यापक सुजोग सृष्टि हेब। यह मुंडारी भाषा और संस्कृति संरक्षण प्रचार और प्रसार रे सहायक होगासह मुंडारी भाषा रे लिखित साहित्य सृष्टि व्यापक हेब। मुंडारी भाषार गवेषणा और अध्ययन निमन्ते व्यापक क्षेत्र प्रस्तुति हेब। यहाद्वारा 6 लाख अधिक मुंडारी भाषाभाषी जनजाति लोके उपकृत हो पारे। परवर्ती खबर कैपिटल हॉस्पिटल रे आरंभ हेब नार्को आनालीसीस टेस्ट। रोगी को मिलिबो आश्वस्ति। आसंता मासरु कैपिटल हॉस्पिटल रे आरंभ हेब नार्को आनालीसीस टेस्ट। एणिकी आउ रोगी को खर्चांत हो पुणे जाई नार्को टेस्ट करबा को पड़बनी एने आसी सारी समस्त मेसीन। कैपिटल हॉस्पिटल ओटी रे निशा इंजेक्शन दे करा हेब एही टेस्ट। जेहेतु एही इंजेक्शन रो पार्श्व प्रतिक्रिया रही ट्रेनिंग दि जाऊँगी एने सूचना देखते कैपिटल हॉस्पिटल निर्देशक डाक्टर लक्ष्मीधर साहू। परवर्ती खबर मार्क जुकरबर्ग बड़ घोषणा। एणिकी गोटे आप्रे चलीपर 2 ह्वाट्सअप अकाउंट। इनस्टांट मेसेजिंग प्लाटफर्म ह्वाट्सअप व्यवहारकारी खुशी खबर आसी खूब शीघ्र गोटे आप्रे 2 ह्वाट्सअप अकाउंट व्यवहार करवा संभव होगाकूँ। मेटा मालिकाना ह्वाट्सअप गुरुवार गोटे समय 2 ह्वाट्सअप अकाउंट लॉगिन करार सुविधा घोषणा कर। मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग एक पोस्ट रे कहिछंती जे ह्वाट्सअप व्यवहारकारी खूब शीघ्र एका संगे 2 ह्वाट्सअप अकाउंट रे लॉगिन करि परिबे। परवर्ती खबर आसंतु जानिबा थर विश्वकप क्रिकेट खबर। बांग्लादेश को 7 विकेट रे हराइला भारत। बांग्लादेश को 7 विकेट रे हराइबा सह चलित एक दिवसीय क्रिकेट विश्वकप रे लगातार चतुर्थ विजय हासिल करिछि भारत। गुरुवार महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन रो बैटिंग उपयोगी पिच रे भारतीय बॉलर मापचुप बॉलिंग करी बांग्लादेश को प्रथमे 8 विकेट रे 256 रन रे अटकाई देथिले। यहापर विराट कोहली को अपराजित शतक 103 रन शुभम गिल को अर्धशतक 53 एवं अधिनायक रोहित शर्मा को द्रुत 48 रन बल में भारत 41.3 ओवर में मात्र 3 विकेट हर विजयी होता। छक्का मारी शतक पूरण करहली मैचर श्रेष्ठ खेलाड़ी पुरस्कार लाभ करते। मैच पाड़ीपर कोहली दिनिकिया शतक संख्या 48 पहुंची जहां मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सर्वाधिक दिनिकिया शतक 49 कीर्तिमान ठारु गोटे मात्र कम।
ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ଭାରତ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକାବିଲା 22 ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 4 ମ୍ୟାଚରୁ ପୂରା 8 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଇ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉନ୍ନତ ରନ୍ ହାର ବଳରେ ଭାରତ ଆଗକୁ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆଜିର ଖବର ବୁଲେଟିନ୍ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ଦେଶ ବିଦେଶର ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ସହ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।